और लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे, जहां पर एसआईटी को 3 दिन की रिमांड मिल गई है आशीष मिश्र की। अब आगे की पूछताछ करेगी एसआईटी, हो सकता है कि घटनास्थल पर भी ले जाया जाए, लेकिन इसका पुरजोर विरोध किया अवधेश कुमार, जो कि आशीष मिश्र के वकील थे। आपको बता दें कि अवधेश कुमार तो कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीष मिश्र ने भी अपनी हाजिरी वहां पर दर्ज करवाई और कई सारा विरोध किया गया इस रिमांड के लिए। हालांकि एसआईटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन केवल एसआईटी को 3 दिन की ही रिमांड मिली है। आपको बता दें, बड़ी खबर है लखीमपुर केस से जुड़ी हुई। लखीमपुर की सेशंस कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और जानकारी के मुताबिक एसआईटी को कल सुबह 10 बजे से 15 तारीख सुबह 10 बजे तक यानी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, और इस दौरान एसआईटी आशीष मिश्र से पूछताछ करेगी और उन्हें घटनास्थल पर भी ले जा सकती है। कोर्ट में रिमांड पर सुनवाई के दौरान आशीष मिश्र के वकील ने पुलिस रिमांड का पुरजोर विरोध किया, लेकिन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम ने आशीष मिश्र को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने पुलिस रिमांड के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर बात कर सकते हैं। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ, मेडिकल टीम नहीं रहेगी, उनके परीक्षण के लिए कहा गया है। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को 3 दिन की न्यायिक रिमांड मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की तरफ से 3 दिन की न्यायिक रिमांड दी गई है। कल 10 बजे यानी 12 तारीख को 10 बजे से 15 तारीख को 10 बजे तक ये रिमांड दी गई। इस दौरान एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी, शर्तें भी रखी गई हैं। शर्त ये है कि जितनी बार भी आशीष मिश्रा को जेल से बाहर ले जाया जाएगा उतनी बार मेडिकल कराया जाएगा, जब जेल के अंदर दाखिला होगा फिर मेडिकल कराया जाएगा, उनका अधिवक्ता या उनके साथ का कोई व्यक्ति उनके जो जुडिशरी से जुड़ा हुआ बात करना चाहेगा तो दूर से बात करना होगा, यानी नज़दीक में कान में बात नहीं कर सकते। तो ये लंबी बहस के बाद ये रिमांड मिली। हालांकि जो उनका अधिवक्ता पक्ष था यानी अवधेश सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्होंने वीडियोज दिए, 150 फोटो दिए, उसके बावजूद ये नहीं मान रहे हैं इनको कौन सी पूछताछ करनी है। विरोध के बावजूद ये रिमांड मिल गई है। और अब जो 40 सवालों की बात थी कि 40 सवाल पूछा था पुलिस ने, अब पुलिस के सवालों की फहरिस्त और लंबी हो जाएगी, यानी कल 10 बजे से ये रिमांड शुरू होती है जो 15 तारीख को 10 बजे तक रहेगी। अब ये साफ हो चुका है कि आशीष मिश्रा के लिए अगले 3 दिन यानी कल 12 तारीख को 10 बजे से 15 तारीख को 10 बजे तक का जो वक्त है ये काफ़ी मुश्किलों भरा। और इसी जनपद न्यायालय के अंदर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की तरफ से बाकायदा सुनवाई की गई। जो बचाव पक्ष था उनकी तरफ से अलग दलीलें दी गई कि उनके मुवक्किल को परेशान किया गया, थर्ड डिग्री देने की कोशिश की गई, उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्योंकि मसला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे से था तो पुलिस ने फूंक फूंक कर कदम रखा और बाकायदा इलाहाबाद के जो डायरेक्टर जनरल हैं अभियोजन पक्ष के वो भी मौजूद थे, एपीओ एसके यादव मौजूद थे। सरकार की तरफ से यानी जो पुलिस पक्ष की तरफ से कहा गया कि नहीं, अभी हमें बहुत सारे सवाल पूछने हैं। इन्होंने घटना के दिन 2:36 से 3:40 तक कहाँ थे ये नहीं बता पाए हैं। इनकी जीप में जो कारतूस मिला वो राइफल या रिवॉल्वर अभी पुलिस को सुपुर्द नहीं किया, तो अभी बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तो यानी कल 10 बजे 12 तारीख 10 बजे से 15 तारीख 10 बजे तक ये 3 दिन आशीष मिश्रा के लिए मुश्किलों भरे होने वाले, क्योंकि एसआईटी के सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि अब कस्टडी रिमांड के दौरान एसआईटी सख्ती बरतेगी। तो आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड काफी जद्दोजहद के बाद मिली, हालांकि मांगी गई थी 14 दिन की न्यायिक रिमांड। तो देखिए, मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं और कल उनको कस्टडी में ले लिया जाएगा, रिमांड में लिया जाएगा, 3 दिन तक ये वो रिमांड में रहेंगे और लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी। अजीत इस वक्त मेरे सहयोगी लखीमपुर से ही जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अजीत, देखिए 14 दिन का समय मांगा गया था एसआईटी की ओर से, लेकिन केवल 3 दिन का समय उनको मिला है, यानी अब एसआईटी को भी अपनी पूछताछ में तेजी लानी होगी और कितनी चुनौतियां खुद सामने एसआईटी के होंगी? देखिए बिल्कुल शिवानी, एसआईटी के सामने भी चुनौतियां होंगी, क्योंकि अदालत में जब मुवक्किल की पक्ष की तरफ से जो अधिवक्ता हैं अवधेश सिंह, वो बार बार कह रहे थे कि इन्होंने हमने 150 फोटो दिए, वीडियो दिए, इन्होंने 40 सवाल पूछे, 12-14 घंटा अपने पास रखा, तो अब क्या जरूरत है। लेकिन अब एसआईटी ने कहा नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका इन्होंने जवाब नहीं दिया, और जो अप्लीकेशन दी गई थी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय में वो हमारे पास है शिवानी। उसमें सीधे तौर पर पुलिस अधीक्षक की तरफ से लिखा गया है कि इन्होंने जाँच में कॉपरेशन नहीं किया है, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी जिक्र है। आदेश कापी में 3 शर्तें भी हैं, वो
तीन शर्तें पढ़कर सुनाते हैं। पुलिस अवरक्षा रिमांड के दौरान अभियुक्त यानी आशीष मिश्रा को कोई भी शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना नहीं किया जाएगा, पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है, पुलिस अवरक्षा रिमांड लेते समय जब समाप्त होगा तो अभियुक्त का जो है मेडिकल कराएगा, यानी जितनी बार जेल से उन्हें बाहर ले जाएंगे और अगर अंदर ले आते हैं तो मेडिकल कराना होगा। तीसरी बात कही गई कि अभियुक्ता जो अभियुक्त है यानी आशीष मिश्रा, उनके अधिवक्ता अगर उनसे बातचीत करना चाहेंगे विवेचना के दौरान तो वो बिना हस्तक्षेप किए दूर से उपस्थित रह सकते हैं, यानी उचित दूरी बनाकर रखनी होगी। तो अब SIT के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो SIT बार बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहें ये कह रहे थे कि अभी हमारे सवालों की लिस्ट लंबी है, अभी आशीष मिश्रा से बहुत सारे जवाब तलाशते हैं, राइफल कहाँ है, रिवॉल्वर कहाँ है, अंकित दास कहाँ है, सुमित जसवाल कहाँ है, ब्लैक फॉर्चूनर में कौन कौन लोग थे, थार में कौन कौन लोग थे, जो स्कॉर्पियो गायब है वो कहाँ है, तो ऐसे सारे सवालों का जवाब मांगेगी। और 2:36 से 3:40 तक ये कहाँ थे, राइस मिल के जो CCTV फुटेज हैं उसकी DBR कब्जे में ले ली गई है, जो पेट्रोल पंप थे उसकी DBR कब्जे में ले ली गई थी, जितने वीडियो फोटोज हैं, खुद उपेंद्र अग्रवाल जो SIT को लीड कर रहे हैं यानी जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं वो लगातार जाँच कर रहे हैं। तो अब SIT के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अगले 3 दिन यानी कल 10 बजे से 15 तारीख को 10 बजे के बीच अपनी जाँच की पूछताछ पूरी करें। लेकिन एक बात और बता दें शिवानी, अगर SIT को लगता है कि उसे और समय चाहिए तो दोबारा एप्लीकेशन मूव करेगी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आगे रिमांड लेने के लिए। बेशक, और यहाँ पर चुनौतियां कम नहीं है और मुश्किलें बढ़ रही हैं आशीष मिश्र के लिए, लेकिन इन चुनौतियों का किस तरह सामना करते हुए SIT आगे बढ़ती है, आगे अपनी पूछताछ जारी रखेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस बीच लखीमपुर केस में राजनीति भी अब तेज होने लगी है धीरे धीरे, और जहां पर इससे पहले सियासी अखाड़ा बना हुआ था अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है BJP पर और BJP ने किस तरीके से उसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया है सुनिए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से एक सेलेक्टिव कंफ्यूजन फैलाने के लिए कलेक्टिव कंपटीशन चल रहा है और जो लोग सेलेक्टिव कंफ्यूजन फैलाने के लिए कलेक्टिव कंपटीशन में लगे हुए हैं वो पूरे के पूरे इसको सियासी रंग देने में पूरी तरह से मसरूफ़ हैं। लेकिन इस तरह के कंपटीशन से, इस तरह के सियासी शगूफों से, इस तरह के सियासी कंपटीशन से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही लाशों पर राजनीति करती आई है। लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना की आंच में भी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती थी प्रियंका वाड्रा। 3 तारीख से लगातार इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रही है। और देखिए किस तरीके से अब सियासत लगातार हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब यहाँ से शुरू होता हुआ दिख रहा है। इससे पहले तमाम राजनेता यहाँ इकट्ठा हो रहे थे लखीमपुर, लेकिन अब जब ये कहानी धीरे धीरे खत्म होती गई तो अब राज्यों में, महाराष्ट्र में आज इसका असर देखने को मिला, जहां पर बंद बुलवाया गया था शिवसेना की ओर से और साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जमकर हमला बोला है। अजीत मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए अब ये क्या वक्त है सियासत करने का और कितनी चुनौतियां अब यहाँ पर भाजपा के सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी अजय मिश्र की, वो केस आगे बढ़ गया है और साथ साथ अब यहाँ पर अजय टेनी की भी बर्खास्तगी की मांग कर रही है, कितनी बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए? देखिए बिल्कुल शिवानी, चुनौती बहुत बड़ी है भाजपा के लिए क्योंकि पॉलिटिकल लॉस जो है वो कम से कम BJP नहीं चाहती। और इसीलिए देखिए कल स्वतंत्र देव सिंह ने बाकायदा कहा कि हम किसी को फॉर्चूनर से कुचलने नहीं आए हैं, हम सबका विकास करने आए। किसी मंत्री या सांसद को सुविधा दी जाती है, फॉर्चूनर कार और पद दिया जाता है तो इसका मतलब नहीं कि उसके परिवार के लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। यानी मकसद साफ है, यानी मैसेज जो है वो पार्टी की तरफ से क्लियर कट दे दिया गया है कि अजय मिश्रा जैसे लोगों को पार्टी में कोई जगह नहीं है। और ये नसीहत है उनके लिए कि ये पद आपको दिया गया ना कि आपके बेटे को, और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप देखिए ओबैसी ने अब्बा जान की बात की कि आखिर आशीष मिश्रा के अब्बा जान पर कब कार्रवाई होगी। प्रियंका गांधी लखनऊ में मौन धरने पर बैठ गए, कल उन्होंने बनारस में जमकर हमला बोला, अखिलेश यादव लगातार हमला बोल रहे हैं और जो राकेश टिकैत हैं वो फिर आ रहे हैं क्योंकि कल किसानों की जो अरदास है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत भारी भीड़ जुटने वाली, 15,000 से 20,000 लोग जुटेंगे। तो अभी भी प्रशासन के सामने चुनौतियां नहीं कम हुई। और पॉलिटिकल जो कहा जाए ना, जो मैंने पहले भी कहा था कि सभी पार्टियां लखीमपुर खीरी की घटना के बहाने अपने हिस्से का लाभ लेना चाहते हैं, यानी पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं कि हो सकता है लखीमपुर की खीरी की घटना उनके लिए मील का पत्थर साबित हो और एक बार वो राजनीति में जिंदा हो जाए, उनका वोट बैंक बढ़ जाए। तो सब कुछ वोट बैंक पर है, किसी के प्रति मानवता या संवेदना नहीं है बल्कि सियासत है। इसे संवेदना नहीं, इसे सियासत कहते हैं और यही करने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। शिवानी बिल्कुल अजीत।
बिल्कुल, और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसमें किसान हित है या फिर नहीं, या ये केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन देखिए, अब सियासत की आग लखीमपुर से होते होते मुंबई तक पहुंची। मुंबई में आज आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से बंद का ऐलान किया गया था, और जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनसे मांग की गई थी कि वो 4 बजे तक बंद रखें। और साथ साथ कई एनसीपी नेता भी इस दौरान सड़क पर उतरे, और उन्होंने वहां पर जमकर बवाल भी किया। सड़क पर कई महिला कार्यकर्ता जो थी वो लेट गई, और कई जगह पर ऑटो रिक्शा चालकों के साथ बदतमीजी भी की गई है। तस्वीरें लगातार हम आप तक दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर किस तरीके से अब सियासत हो रही है लखीमपुर कांड को लेकर, किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। मुंबई की ये तस्वीर है, लेकिन यहाँ लखीमपुर में घटना हुई, लेकिन धीरे धीरे ये सियासी आग अब कहाँ तक पहुँचना शुरू हो गई है, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई के कांदिवली से आई इन तस्वीरों पर नजर डाली, और लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में ये कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता हैं जो सड़क पर जमकर जिन्होंने बवाल काटा, और विरोध जताने के लिए कुछ महिला कार्यकर्ता भी सड़क पर लेट गई, और हालात बिगड़े तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से सड़क से हटाने की कोशिश की, जिस पर बात और ज्यादा बिगड़ गई। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के नजदीक थाने से भी सामने आई है, जहां शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों से गुजर रहे ऑटो ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करते हुए दिखे। लेकिन देखिए किस तरीके से अब बवाल मच रहा है, धीरे धीरे सियासत कितनी तेज होती जा रही है, क्योंकि कई राजनेताओं को इसमें किसान हित नहीं लेकिन अपना पॉलिटिकल एजेंडा जरूर समझ में आ रहा है। और इसी को लेकर बीजेपी भी हमलावर लगातार होती आई है, और बीजेपी की ओर से हमेशा कहा जाता है कि लगातार सियासत हो रही है, जो भी राजनेता लखीमपुर घटना का मुद्दा उठा रहे हैं वो केवल और केवल अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से, जहां मुठभेड़ जारी रहने के बीच खबर आ रही है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जम्मू कश्मीर के शोपिया से आ रही है, जहां पर मुठभेड़ होने की जानकारी मिल रही है, और सुरक्षा बल ने इस बीच आतंकियों को घेर लिया है। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है, इस खबर के मुताबिक इन आतंकियों को हमारे सेना के जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया है, और जल्द ही कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन को संपन्न किया जाएगा। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर आ रही है, खबर जम्मू कश्मीर के शोपिया से आ रही है, और खबर यह आ रही है कि शोपिया में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है और सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा हुआ है। जानकारी यह भी आ रही है कि कई आतंकी वहां हो सकते हैं। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रिफत, कितने आतंकियों को घेरने की जानकारी मिल रही है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कितने हैं, लेकिन 1 से 2 बताए जा रहे हैं। उनकी खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस ये ऑपरेशन कर रही है। इमाम साहब का एरिया है शोपियां में, इससे पहले भी इस एरिया में काफी सारे एनकाउंटर्स हुए हैं, और अभी ऑपरेशन जारी है। क्या पाना मुश्किल है कि कितना इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको मालूम है कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी है, और आज रात के दौरान 2 एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन ये तीसरा एनकाउंटर है। अभी ये शोपियां में एनकाउंटर जारी है। रिफत, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए उन एनकाउंटर्स के बारे में, उन मुठभेड़ के बारे में जो बीते 2-1 दिन में चल रही है। देखिए, 2 एनकाउंटर रात के दौरान हुए, और पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि जो अनंतनाग के वेरीनाग एरिया में एनकाउंटर हुआ उसमें एक मिलिटेंट मारा गया, और पुलिस ने एक और ट्वीट करके कहा कि जो बांडीपोरा में एनकाउंटर हुआ है वहां पर भी एक मिलिटेंट मारा गया। तो पुलिस के 2 स्टेटमेंट्स अलग अलग आए, और दोनों में उन्होंने कहा कि एक मिलिटेंट मारे गए हैं, और अभी जो है ये शुपया के एरिया में एनकाउंटर चल रहा है। अभी बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं। रिफत, लगातार आप इस खबर को ट्रैक करते रहिए, आगे मैं अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, जहां न्यूज 18 के पवन शर्मा ये खबर दे रहे हैं कि पुंछ में एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है, और इस दौरान एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। खबर ये भी आ रही है कि दोबारा शुरू हुई इस मुठभेड़ में एक जवान को भी गोली लगी है और वो घायल हो गया है, और इससे पहले पुंछ के डेरा के गली इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। शहीद होने वालों में एक जेसीयू और 4 जवान शामिल हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, एक आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है, और इस खबर के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है, और जिसमें फ्रंट फुट पर लीड कर रही है हमारी सेना, और सुरक्षा बल जल्द ही इस ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। वो तस्वीर भी सबसे पहले आप न्यूज 18 पर देखेंगे। लेकिन ये पूरा जो इलाका है इसके बारे में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर पुंछ में एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हुई है। आज पुंछ जिले के सुनकोट तहसील के चमरेड़ इलाके में लगातार सुबह से मुठभेड़ जारी है, और आपको बता दें कि यही जंगल है, इसके ऊपर जाकर जो ये जंगल है और घना हो जाएगा, और उस जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है, और लगातार आतंकियों और सुरक्षा वालों के बीच गोलाबारी जारी है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जो हमारे 5 सेना के जवान शहीद हो गए हैं, और उसके बाद लगातार
सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी जारी है। मनीष शर्मा, न्यूज 18, चमरेड़ गांव, पुंछ। और इस बीच आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं जो इन मुठभेड़ से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं और जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकी अपने पैर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल उनकी हर हरकत पर निगाह बनाए हुए हैं और उनके इरादों को नेस्त नाबूद करने में जुटे हुए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, एक आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है। दो तस्वीर इस वक्त सामने है आपके, एक आतंकी के ढेर होने की जानकारी पुंछ से आ रही है और सुबह से ही ये मुठभेड़ चल रही है। सीधा सीधा मतलब ये कि तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है तब भी ये मुठभेड़ चल रही है और एक जवान के शहीद होने की भी खबर हो रही है और कुल मिलाकर जो हमारे 5 जवान हैं वो शहीद हुए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन एक आतंकी मारा गया है, ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ सीधे रुक कर लेते हैं जम्मू का पवन शर्मा सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, जानकारी ये मिल रही है कि एक आतंकी मारा गया है, इसके बारे में डिटेल्स और क्या है? देखिए, सुबह से मुठभेड़ जारी है। पुंछ का जे डेरा की गली इलाका पड़ता है जो पुंछ और रजौरी के मध्य में है। यहाँ पर सुबह 10 बजे के करीब आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो चुके थे। उसके बाद फायरिंग रुकने के बाद पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया था और घने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसके बाद फिर दोपहर को मुठभेड़ जो है वो आतंकियों के साथ शुरू हो गई थी जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और एक जवान घायल हुआ है। तो कुल 5 जवान शहीद हुए हैं, एक जवान घायल हुआ और एक आतंकी को मारा गया है। पूरे इलाके को अभी भी घेरा गया है और आसपास के इलाकों में जितने भी जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नगरोटा से ये जानकारी मिल रही है और साथ ही जम्मू में 2 संदिग्ध दिखने की जानकारी मिल रही है। कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में अलर्ट जारी किया गया है। नगरोटा के कश्मीर पंडित कॉलोनी में 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। 2 संदिग्ध लोगों को देखा गया है जम्मू में और नगरोटा का यह हिस्सा जहां पर इन 2 संदिग्ध लोगों के देखे जाने की जानकारी मिल रही है। कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी यह है जहां पर इन 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद अलर्ट जारी किया गया है पुलिस के जरिए। और हाल फिलहाल में किस तरह से कश्मीर के लोगों को, कश्मीरी पंडित लोगों को टारगेट किया गया है उसके बाद ये बेहद अहम खबर आ रही है। पवन हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पवन, और क्या अपडेट है इसके बारे में? देखिए, जम्मू का नगरोटा इलाका है और जहाँ पर माइग्रेंट कॉलोनी है कश्मीरी पंडितों की, जहाँ पर पलायन के बाद कश्मीरी पंडित जो अलग अलग हिस्सों में रहते थे उनके लिए एक टाउनशिप बनाया गया था, वहाँ पर वो लोग रह रहे थे। आज वहाँ पर 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद पुलिस और सेना ने आसपास के इलाके को पूरे घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को बताया था कि 2 लोग जो थे वो जिनके पास बैग थे और पिट्ठू बैग के साथ वो लोग कॉलोनी के आसपास घूम रहे थे, उसके बाद ही सूचित किया गया। उसके साथ ही जंगल का इलाका है, सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा क्योंकि भारतीय सेना का अहम शिविर भी इसी इलाके के आसपास है, तो उसी को देखते हुए पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। और हाई अलर्ट कॉलोनी में पहले से ही कर दिया गया था क्योंकि कश्मीर में टारगेट किलिंग होने के बाद, कश्मीरी पंडितों की हत्या होने के बाद वहां से कुछ लोग अपने परिवारों सहित अपने घर पहुंचे हुए थे और उसी को देखते हुए पुलिस ने हाई अलर्ट किया हुआ है। लेकिन आपको बताते हैं कि सुबह आतंकियों के साथ किस तरह मुठभेड़ हुई है जिनमें 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है, 2 दिन पहले 4 आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की थी और ये 4 आतंकी पुंछ और राजौरी के बीच पड़ने वाले डेरा की गली पहुंचे। कल रात ही आतंकियों के डेरा की गली इलाके में होने की खबर सुरक्षा बल को लगी और इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन भारी बारिश और धुंध की वजह से ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरी रात सुरक्षा बल आतंकियों के तलाश में लगी रही और सुबह जब पहाड़ी से उतर रहे थे ये लोग, उसी वक्त आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें 5 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को पास के अस्पताल ले जाया गया है जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। और इधर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के कामों से बौखलाए आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। राजौरी सेक्टर में यहां सीमा पार से घुसपैठ करके आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर में भारतीय सेना के कुछ जवान जो वहां शहीद हुए हैं उनको पूरा देश नमन करता है। हमारे जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की बड़ी घुसपैठ की साजिश को विफल किया है और उस पूरे घटनाक्रम में, उस एनकाउंटर में हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश अपने जांबाज वीरों की शहादत को नमन करता है।
पवन हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। पवन, 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब पुंछ के इस इलाके में मुठभेड़ चल रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि जंगल की तरफ से फायरिंग की खबर आ रही है, इसमें और क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, ये मुठभेड़ सुबह से शुरू हुई थी और उसके बाद बीच में काफ़ी देर के लिए वहाँ पर फायरिंग की कोई आवाज़ नहीं आई, तो फायरिंग रुकी हुई थी। लेकिन दोपहर के बाद एक बार फिर वहाँ पर उसके साथ ही सटा हुआ इलाका जो डेरा की गली के साथ शहादरा का जंगल पड़ता है, उस इलाके में फिर आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें एक आतंकी मारा गया और एक जवान घायल हुआ। अभी भी उस इलाके में फायरिंग रुक रुक कर जारी है। अगर कहा जाए तो मुठभेड़ ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि एक ही जंगल है, साथ सटे हुए पूरा इलाका है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, हाईवे से लेकर जंगल के भीतर तक जितने भी पॉइंट्स बाहर निकलने के हैं, जंगल से बाहर निकलने के रास्ते हैं, उनको सील किया गया है और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है कि अगर आतंकी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको वहीं पर ढेर किया जाएगा। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। एक तरफ पुंछ में आतंकियों की फायरिंग में 5 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं आज सुबह सुरक्षा बल को भी कामयाबी मिली जब उन्होंने अनंतनाग और बांदीपोरा में एक एक आतंकी को मार गिराया। 3 तस्वीरें आपके सामने और ये बीते 24 घंटे के घटनाक्रम को बखूबी बयां करती हुई तस्वीरें हैं। 5 जवान हमारे जरूर पुंछ में शहीद हुए हैं, लेकिन अनंतनाग और बांदीपोरा की मैं बात करूं तो वहां पर एक एक आतंकी को ढेर किया गया है। और जानकारी ये मिल रही है कि इस वक्त शोपिया में भी एक मुठभेड़ चल रही है, उसमें भी हमारे सुरक्षा बलों को जल्द कामयाबी मिलेगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सुरक्षा बल ने आज सुबह आतंक पर प्रचंड प्रहार करते हुए कायर आतंकियों को करारा जवाब दिया। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि अनंतनाग और बांदीपोरा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में एक आतंकी मारा गया है जबकि गोलीबारी में पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया है, तो वहीं बांदीपोरा में भी एक आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बल ने घाटी में मासूमों की हत्या का बदला लिया है। बांदीपोरा में मारे गए आतंकी के बारे में दावा किया जा रहा है कि 5 अक्टूबर को बांदीपोरा में सिविलियन मोहम्मद शफी की हत्या में भी उसका हाथ था। देश के बड़े मुद्दों पर आज शाम 7:57 पर देखिए अमन चोपड़ा के साथ श्रीनगर के लाल चौक से देश नहीं झुकने देंगे, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।